उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तिरंगा फहराया। उपराज्यपाल ने परेड का निरीक्षण किया और सलामी ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2019 के संवैधानिक परिवर्तन से जम्मू कश्मीर में सामान्य स्थिति और विकास के एक नए युग की शुरुआत हुई है। उपराज्यपाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदलने के लिए 5 मंत्र तय किए गए हैं, जिनमें विकास, शांति, प्रगति, पारदर्शिता और सामाजिक सद्भाव शामिल है। जिला रियासी में आजादी का जश्न बड़ी धूमधाम से मनाया गया। रियासी के वार्ड नंबर 5 और 7 में कोरोना के मामले आने के बाद वहां तारबंदी कर दी गई थी, लेकिन फिर भी लोगों ने तारबंदी के हद में रहकर ढोल की थाप पर नाचकर आजादी का जश्न मनाया। हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के लोगों ने हाथ में तिरंगा पकड़कर नाचते दिखे। इन तस्वीरों को देखकर उपद्रवियों और कुछ राजनेताओं में खलबली मच गई होगी, जो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई और फूट डालकर अपनी रोटी सेकते आए हैं। रियासी जिला हमेशा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारे का प्रतीक रहा है, जहां हर पर्व सभी समुदाय मिलजुल कर मनाते आए हैं। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 532 नए मामले सामने आए हैं। वहीं दूसरी तरफ 734 लोगों ने कोरोना वायरस को पिछले 24 घंटे में मात दी और स्वस्थ हुए। प्रदेश सरकार द्वारा जारी बुलेटिन के मुताबिक पूरे जम्मू कश्मीर में अब तक 527 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रभावित जिला श्रीनगर रहा, जहां कोरोना के 110 नए मामले सामने आए हैं। वहीं अगर जम्मू संभाग की बात करें तो यहां 108 नए मामले सामने आए, तो दूसरी तरफ कश्मीर संभाग में 424 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद पूरे जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 28,021 हो गया है। वैष्णो देवी यात्रा 16 अगस्त यानी आज से शुरू हो रही है। पुजारियों के संक्रमित मिलने के बाद अब इसकी SOP में बदलाव किया गया है। इसमें पहले हफ्ते हर रोज 2000 तीर्थ यात्री शामिल होंगे। इन श्रद्धालुओं में 1900 जम्मू कश्मीर से तथा अन्य 100 बाहरी राज्यों के होंगे। बैटरी वाहन, रोपवे और हेलीकॉप्टर सेवा सुचारू रूप से चलेगी। तीर्थ यात्रियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सभी की स्क्रीनिंग की जाएगी। यात्रा में घोड़ा, पिट्ठू और पालकी को शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई है। सामाजिक दूरी के लिए जगह जगह निशान बनाए गए हैं। कोरोना काल में देश ने 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7वीं बार लाल किले पर झंडा फहराया और देशवासियों को संबोधित किया। अपने 86 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत, कोरोना संकट, आतंकवाद, विस्तारवाद, संप्रभुता, रिफॉर्म, मध्य वर्ग, महिलाएं, किसानों, कामगारों और कश्मीर से लेकर लद्दाख तक का विशेष रूप से जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी इतनी बड़ी विपत्ति नहीं है कि आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को रोक पाए। इसके साथ ही उन्होंने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरू होने का ऐलान किया। भारतीय क्रिकेट के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से अचानक संन्यास ले लिया। 15 अगस्त की शाम सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट करते हुए उन्होंने अपने फैंस को अलविदा कहा। प्यार और समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 7:29 से मुझे रिटायर मान लिया जाए। रांची के मध्यवर्गीय परिवार से निकले लंबे बालों वाला एक लड़का किसी दिन दुनिया पर छा जाएगा, किसी ने नहीं सोचा था। 2004 में बांग्लादेश के खिलाफ अपना डेब्यू करने वाले महेंद्र सिंह धोनी ने भारत के लिए 90 टेस्ट, 350 एक दिवसीय और 98 T20 इंटरनेशनल खेले हैं। देश ने कल अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस का समारोह बड़ी धूमधाम से मनाया। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आजादी के गीत गूंजे, वीर शहीदों को नमन कर याद किया गया। चारों ओर तिरंगा शान से लहराता दिखा। इस दौरान देश विदेश से शुभकामनाएं मिलने का दौर जारी है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अमेरिका, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल और चीन की ओर से बधाइयां दी गईं। वहीं भारत में चीन के राजदूत सुन बेडांग ने कहा, भारत सरकार और भारतीयों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई। आशा करते हैं कि चीन और भारत, प्राचीन सभ्यता वाले दो महान राष्ट्र, शांति के साथ समृद्ध और साझेदारी के साथ विकसित हों। कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ देश ने अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया।
प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से सातवीं बार देश को संबोधित किया। वहीं उन्होंने कोरोना वैक्सीन को लेकर स्थिति स्पष्ट की। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान कहा, कोरोना की वैक्सीन कब तैयार होगी, ये बड़ा सवाल है। देश के हमारे वैज्ञानिक ऋषि मुनियों की तरह जुटे हुए हैं और कड़ी मेहनत कर रहे हैं। भारत में एक दो नहीं बल्कि तीन तीन वैक्सीन टेस्टिंग के अलग अलग चरण में है। जब वैज्ञानिकों से हरी झंडी मिलेगी तो बड़े पैमाने पर उत्पादन होगा। इसकी पूरी तैयारी है। हर भारतीयों तक वैक्सीन कम से कम समय में कैसे पहुंचे, इसका खाका भी तैयार कर लिया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं देने के साथ केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने केंद्र पर आरोप लगाया कि ऐसा प्रतीत होता है कि ये सरकार प्रजातांत्रिक व्यवस्था, संवैधानिक मूल्यों व स्थापित परंपराओं के विपरीत खड़ी है। उन्होंने लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर शहीद हुए 20 जवानों को याद करते हुए कि भारतीय भूभाग की रक्षा करना और चीनी घुसपैठ को विफल करना ही इन शहीदों को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी।